नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम आपको एक ऐसे फार्म पे लेके आए हैं जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, बड़ा ही शानदार नज़ारा है। और ये नज़ारे अब युवा कर रहे हैं और ये नज़ारों का सब मतलब कि खेती में अब युवाओं की जिस तरह से सहभागिता बढ़ रही है, उस तरह से खेती के रूप और ढंग में भी बदलाव हो रहे हैं। एक ऐसे ही हमारे साथ सख्त है रूपी बांध, गाँव का नाम है, जिला रोहतास है, और जो किसान हैं, जो युवा किसान हैं, नाम है ज्योति प्रकाश सिंह। तो ज्योति प्रकाश सिंह से मिलते हैं और इनके फार्म को दिखाते हैं और आप जरूर कहेंगे कि क्या शानदार फार्म है इनका। तो ज्योति जी, कैसे क्या करते हैं आप किसानी में? जी, मेरा नाम ज्योति प्रकाश सिंह हुआ, मैं रूपी बांध का कोचेस प्रखंड से हूँ। जी जी। और मैं BA CHM किया हूँ पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और मेरा 4 साल का कोर्स था। कोर्स कम्प्लीट करने के बाद मैं 4 साल जॉब किया, और कोरोना टाइम में जब 2019 में मैं जॉब छोड़ दिया, रिजाइन देकर। वजह क्या थी? वजह उसमें मेरा थोड़ा हेल्थ का कुछ, कोविड आप भी थे? कोविड तो नहीं था, लेकिन हेल्थ थोड़ा हेल्थ इशू था, तो उसी में मैं यहीं पाक के सेटल हो गया। अच्छा। और इसी मेरे बड़े भैया इस फार्म को मतलब को स्टार्ट किए थे, स्टार्ट करने के बाद मैं भी इसी में लग गया, और सोचा क्यों ना जो बाहर हम जा रहे हैं दूसरे के अंडर में, हम 20-30 हज़ार 40 हज़ार के लिए जो काम कर रहे हैं, उससे अच्छा अपने गांव में ही क्यों ना किया जाए। कितनी कमाई हो जाती है सर? जी, इसमें मेरा अभी तो लगभग 15 लाख के आसपास सालाना कमाई। 15 लाख होती है। कितने एरिया में है और क्या क्या खेती करते हैं सर, किस तरह की खेती व्यवस्था? ये मेरा 6 एकड़ में पूरा फार्म है, जिसमें मैं समेत इसमें मेरे पास मछली है और बतख है, कड़कनाथ मुर्गा है, देसी मुर्गा है, और गाय भी है, केचुआ खाद भी मेरे पास उपलब्ध है। और इस समय हम नया वैरायटी में हर्बल 99 एप्पल का प्लांट लगाए हैं। तो क्या हर्बल 99 एप्पल का क्या स्थिति है यहाँ की जलवायु के लिए, कितना सही है? अभी तो मेरा अभी ठीक कंडीशन में है, अभी उसमें ग्रोथ हो रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि 1-1.5-2 साल में ये फल भी देगा। 1.5-2 साल में फल भी देगा। और थाई एप्पल नया में अभी थाई एप्पल किया हूँ जो फल दे रहा है मेरा। तभी है फल है कि नहीं? हाँ है। कहाँ पे थाई एप्पल का दिखाएंगे इसको? हाँ, थाई एप्पल बेर जो होता है, बेर वैरायटी का है। बेर? हाँ, बेर की बात कर रहे हैं। एप्पल बेर की बात कर रहे हैं। एप्पल बेर। अच्छा। और इसमें मैं 1.5 एकड़ में शिमला मिर्च का खेती कर रहा हूँ, जो कि बहुत सेनेट हाउस है, जो कि बहुत ही मतलब इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट था मेरा। पिछले साल तो थोड़ा मैं लेट हो गया। एक समझूंगा सर, देखिए पहले मैं दिखा दूँ ज्योति प्रकाश जी का। ये देखिए पूरा, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये देखिए पूरा मैनेजमेंट है एकदम शानदार, एक अलग अलग ढंग का। ये समेकित कृषि प्रणाली का एक सफल और उमदा उदाहरण है, आप देख सकते हैं। और इनके खेतों में जब मैं आपको दिखाऊंगा तो कई तरह की वेराइटियाँ इनके खेतों में हैं। एक ही खेत में कई तरह के 5 से 7 फसल एक ही बार में ये खेती करते हैं और उसका फ़ायदा ले रहे हैं। पीछे आप देखिए, ये इनका लगा हुआ है, ये मुर्गी फार्म खोले हुए हैं। और आपको सबसे बड़ा उदाहरण देखें कि आइए ज्योति जी, आइए मैं दिखा रहा हूँ दर्शकों को। ये जो आप व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, तुझे मुझे स्टेप बाई स्टेप बताएंगे किससे कितना इनकम हो जाता है आपका? मछली से अगर मैं बात करूँ, मुर्गी फार्म से, और शिमला मिर्च से, और नॉर्मल जो खेती करते हैं। मछली का तो मेरा लगभग 2 एकड़ में पौंड है, जिससे मेरा सालाना 6-7 लाख का इनकम होता है। केवल मछली? कौन सी मछली है इसमें? इसमें पंगासियस है, रेहू है, रूपचंदा है, और कोमल काट है। कोमल काट है। अच्छा, ये बताइए सर कि और मुर्गी पालन से कितना हो रहा है? मुर्गी पालन से हमको पर ईयर 2-3 लाख तक। कितने मुर्गियाँ हैं इसमें? मेरा ये जो ब्रॉयलर है 2500 का सेड है, और मेरे पास कड़कनाथ भी है और देसी भी है। देखिए सबसे बड़ी मैं एक चीज़ में पीछे भूल गया ज्योति जी, आपने जो प्रबंधन किया बड़ा शानदार किया, एक एक जगह का आपने बड़ा बेहतरीन ढंग से उपयोग किया है। ज्योति जी का मैं दिखा दूँ आपको, ये तालाब है इनके पीछे, और ये देखिए तालाब, आप देखेंगे तो 2 तालाबों के बीच में मैं उसके मेड़ पे मैं खड़ा हूँ रास्ते पे, आप देख रहे हैं 2 तालाब है पीछे, ये देखिए 2 तालाब दिख रहे होंगे, और उसके जो रास्ता है बीच का रास्ता है उस पे इन्होंने मुर्गी पालन किया है। एजोला के जो घास होते हैं उन उसको भी लगा रखे हैं ये लोग। कड़कनाथ उधर है जी, उस साइड में हम एजोला का एक पौंड बनाया हूँ, जिसमें हमको सुबह का चारा नहीं डालना होता है, केवल वो पौंड से वो एजोला जो है खा लेती है, शाम को हम थोड़ा बहुत चारा लगाते हैं। शाम को लगाते हैं।
अच्छा सब्जी से कितनी कमाई हो रही है आपकी, बताएंगे थोड़ा सब्जी को लेके कितनी क्या है? सब्जी तो मैं लगभग 3 एकड़ में किया हूँ सब्जी का खेती, लौका और करेली का किया हूँ। लौका करेली और मिक्स है इसमें, इसमें पालक भी है धनिया भी है, सब मिला के हमको लगभग 4 से 5 लाख का इनकम इसमें होता है पर साल। 4 से 5 लाख का इनकम सभी सब्जियों को मिला के आपकी खेती से हो रही है। थोड़ा फार्म दिखाएंगे अपना, थोड़ा फार्म हमें दिखाइए, हम दिखाते हैं एक। और कभी नहीं लगा कि कितना कमा लेते थे उस समय जब आप खेती करते वहाँ पे जॉब करते थे? जॉब कर रहा था तो हमको 35 से 40 हज़ार मिल रहा था महीने का। अच्छा, लेकिन उसमें यही है कि अपने घर से बहुत दूर मुंबई में जॉब लगा था मेरा, मुंबई से ट्रांसफर कर दिया कभी गोवा कभी तमिलनाडु इधर, तो भागते रहना है उसमें स्थाई नहीं है। तो कि हम यही सोचे कि क्यों ना हम कुछ अच्छा अपना जब है अपना जमीन केवल इसमें, मेरे पिताजी धान गेहूँ ये सब का खेती कर रहे थे, तो मैं सोचा क्यों ना अपना ही स्थाई कुछ इसका इसी को आगे बढ़ाया जाए, इसी को व्यवस्था किया जाए। तो धान गेहूँ से स्थितियाँ क्या थी? धान गेहूँ से तो गेहूँ तो मेरे पास अच्छा नहीं हो रहा था पैदावार, धान तो थोड़ा बहुत हो जा रहा था लेकिन गेहूँ नहीं हो रहा था। अच्छा। तो अभी बेहतर है? अभी हम सब्जी लगा के बहुत खुश हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अच्छा हम प्रॉफिट कमा रहा हूँ। हाँ ऐसा है कि अभी जो भी प्रॉफिट आ रहा है इसमें ही हम लगा देते हैं फार्म को ही और डेवलप करने में। इन दोनों के भाइयों की सफलता की कहानी है कि 6 एकड़ में जहाँ कभी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक के धान बिकते थे, लेकिन आज इसी 6 एकड़ ज़मीन से ये मछली और तमाम व्यवसाय सब्जी मुर्गी पालन तक करके करीब साल के 15 से 16 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। और ये मानते हैं कि वो नौकरी वाली ज़िंदगी से ये बहुत ही बेहतर और शानदार है। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।